दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इतना धूप होने के बावजूद भी ये देख रहे हैं पूरा पाइप पे पानी लग जा रहा है। मतलब इसका कूलिंग इतना ज़बरदस्त है कि पूरा ये पानी लग जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर बनाना है तो इसी तरह से बनाइए, नहीं तो बनाइए। माँ दादी, स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ही एक स्विफ्ट गाड़ी आई है, इसका एसी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। इसमें एसी का प्रॉब्लम है, जो कि इसमें प्रेशर है, बट एसी ऑन हो रहा है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है, पर एसी चल नहीं रहा है। तो आज हम इसी के बारे में आपको वीडियो लाए हैं आपके लिए। आइए दिखाते हैं कि इसमें गैस कैसे पहले चेक किया जाता है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सेक्शन पाइप के पास ये जो एल वाला ये पॉइंट दिख रहा है, देखिए इसको खोल लेंगे हम लोग घुमाकर। ये देखिए, इसको खोल लेंगे। उसके बाद खोल के अगर आपके पास घड़ी तो होगा, नहीं तो दोस्तों ऐसे पेचकस डाल के आप चेक कर सकती है। देखिए देखिए, ये अगर गैस रहता तो इसमें से लिक्विड पूरा इसके ऊपर आ जाता। ये देखिए, और गाड़ी अभी हम इसमें आपको घड़ी लगा के भी दिखाते हैं कि प्रेशर इसमें कितना होना चाहिए और कितने प्रेशर पे ये अपना एसी ऑन होता है। इसको हम लोग लगा लेंगे दोस्तों, और ये देखिए प्रेशर इसमें कितना बता रहा है। देखिए ये देख सकते हैं कि 20 तक इसमें आ जा रहा है इसका घड़ी। तो दोस्तों, इसका मतलब इसमें गैस कम है। दोस्तों, गैस कम क्यों हुआ है और क्या इशू है इसका प्रेशर, इसमें हम लोग एक बार नाइट्रोजन डालेंगे, लीकेज सब जगह चेक करेंगे, कहीं लीकेज नहीं रहा फिर गैस डालेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये बम्पर खोलना है। बम्पर खोल कर इसमें ये जो बम्पर दिख रहा है आपको पूरा हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका कंप्रेसर, ये कंडेंसर यहाँ पे जो है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, बाहर से जो भी है, अंदर जो कूलिंग कॉइल है वो भी हम लोग चेक कर। देख सकते हैं दोस्तों, हमने बम्पर खोल लिया है, यहाँ का जो इंटरकूलर होता है वो भी हमने खोल लिया, और ये देखिए हमारा कंप्रेसर यहाँ पे है, यही हमारा एसी कंप्रेसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइप लगा रहता है, ये वाला सेक्शन पाइप है, ये डिस्चार्ज पाइप है, जो कि ये पाइप यहाँ से होके यहाँ, ये देखिए यहाँ से होके यहाँ पे आ जाता है। प्लस ये जो एक लिक्विड पाइप, पतला वाला पाइप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट कूलिंग कॉइल में जॉइंट होता है दोस्तों, और ये कंप्रेसर होता है। दोस्तों अभी क्या हम लोग इसमें चेक करेंगे कि लीकेज का क्या इशू है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड टाइप हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा लिक्विड टाइप हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो हो सकता है यहाँ से भी लीकेज मारा हो गैस थोड़ा बहुत, क्योंकि ये लिक्विड अगर हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू हुआ है, तभी ये मतलब यहाँ पे दिख रहा है इस तरह का। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें नाइट्रोजन डालेंगे, नाइट्रोजन डाल के इसको हम बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअल में। दोस्तों ये देख सकते हैं, हमने ये पाइप अभी पहले गैस जब चेक करना होता है हम लोगों को तो इस वाले में लगाते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन डालना रहता है प्रेशर तो इसमें लगा कर इसका पाइप, और ये देखिए यहाँ पे इसका पाइप यहाँ पे जोड़ दिए हैं, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं दूसरा जो पाइप है, ये देखिए ये हमारा जो नाइट्रोजन का टंकी है इसमें हम लोग लगा दिए हैं। खोलो इसको, आराम से खोलना। ये देख सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, ये 250 हमने पूरा प्रेशर डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब दोस्तों इसको हम लोग पूरा जो पहले तो ये जो पाइप लाइन है जितना भी है इसको चेक कर लेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो ठीक, नहीं मिला तो इसको हम लोग कम से कम 30 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे कि ये बैक हो रहा है या नहीं। बैक हो गया तब तो हम लोग जान जाएंगे कहीं से लीकेज, अगर नहीं हुआ तो ओके है। तो इसका जब अगर ओके रहा तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पाइप देख रहे हैं आप दोनों, ये पाइप इसमें दोस्तों ये वाशर वाला वायरिंग रहता है, जो अभी इस समय कंप्रेसर में आता है वो दूसरा मॉडल रहता है। इसमें क्या होता है, चालू जब गाड़ी होता है ना प्रेशर पड़ता है तभी जाके यहाँ से लीकेज मारता है, तो इसका हम लोग तब जाकर वायरिंग बदलेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे इसका कि लीकेज है या नहीं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम लोग हर जगह जो भी इसका लीकेज है वो चेक करेंगे। ये एक देखिए डिस्चार्ज वाला है, नहीं इसमें नहीं है, ये नीचे लिक्विड पाइप पे। मतलब हर जगह आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि कहीं से लीकेज है या नहीं है। लीकेज है कंप्रेसर पे चेक करो, नहीं नहीं वो इधर से नहीं मारेगा, मारेगा जॉइंट पे मारेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने मतलब पूरा कंप्रेसर पे ये डाल दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से लीकेज कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं और सब जगह,
इसका जितना भी जॉइंट होता है दोस्तों, हर जगह आपको चेक करना पड़ता है। देखिए जैसे कि ये पाइप जो यहाँ पे है, ये पाइप लगा है और ये पाइप में यहाँ पे जॉइंट है, तो दोस्तों यहाँ पे भी आप चेक करिए, जैसे जितना भी जॉइंट है इसका पाइप का। अभी देखिए यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब इसका जितना जॉइंट है। लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे कूलिंग कॉइल का कनेक्शन रहता है, वो बहुत अंदर है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसमें, तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी जो भी पाइप है इसका एक बार चेक करते हैं दोस्तों। अब इसका जो प्रेशर है वो हम सारा निकाल देंगे। प्रेशर निकालने के बाद दोस्तों इसका जो वाशर मैंने आपको बताया था, वायरिंग रिप्लेस करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को ये दोनों पाइप का बोल्ट जो कि 12 नंबर का दिख रहा है, ये दोनों पाइप खोलेंगे दोस्तों। पाइप खोलने के बाद दोस्तों इसका वायरिंग रिप्लेस करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों दोनों पाइप में बहुत पतला वाशर रहता है, मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए इसमें नॉर्मल वायरिंग रहता नहीं, ये देखिए इसमें वाशर के टाइप, मतलब एक लोहे का भी वायरिंग रहता है, इसलिए उसको हम लोग निकालना पड़ता है। इसमें वाशर इस टाइप का रहता है, लेकिन दोस्तों हम लोग जो अभी जो कंप्रेसर आता है ये इस टाइप का वाशर सब उसमें लगा रहता है। ये देख सकते हैं वाशर का ही डब्बा पूरा है, तो अभी इस टाइप का ये पुराने वाला स्विफ्ट में आता है दोस्तों। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम ये रबड़ काट कर निकाल कर इसमें यही रबड़ लगाएंगे और इसको लगा कर फिटिंग करेंगे दोस्तों। इसमें जो ये दोनों ओरिंग को हम लोग लगा लेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसको ऐसे बिठा कर दोस्तों थोड़ा सा कंप्रेसर के अंदर ऑयल डाल देंगे, और ये जो ओरिंग हम लोग बिठा रहे हैं इसके अंदर ये देख लीजिए, इसको अच्छे से बिठा देंगे ताकि ये लीकेज ना मारे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका जो ये आपको देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग कंप्रेसर में ऑयल डालेंगे, मतलब 20-30 ग्राम जितना, क्योंकि पहले से भी कंप्रेसर में ऑयल था तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसका जो ओरिंग है उसको बिठाकर इस बोल्ट को, दोनों पाइप को लगाकर, ये थोड़ा सा ओरिंग पे भी आप ऑयल डाल दीजिए ताकि वो जब बैठे तो वहाँ पर ईजिली बैठ जाए और कटे ना ओरिंग, अगर सूखा ओरिंग रहता है तो वो कट जाता है दोस्तों, इसलिए। तो ये दोनों बोल्ट को हम लोग फिर से अच्छे से फिटिंग कर लेंगे, नहीं अगर थोड़ा भी ढीला रहेगा दोस्तों इसको टाइट प्रॉपर करना है, अगर बोल्ट ख़राब है तुरंत बोल्ट बदल दीजिए, लेकिन टाइट इसका प्रॉपर एकदम टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम लोग एक बार नाइट्रोजन इसमें डालेंगे ताकि इसको ये रहे कि अगर लीकेज है तो फिर से हम लोग कर दें, नहीं तो डायरेक्ट क्या है कभी गैस डाल देंगे तो अगर इनकेस नया डालने में भी ये लीकेज मार देगा। दोनों वायरिंग लगा दिया और वायरिंग लगा कर टाइट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से एक बार नाइट्रोजन इसके अंदर भरेंगे कि हम लोग जो वायरिंग लगाए हैं वो ओके हुआ है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वायरिंग लगाने के बाद भी लीकेज मार देता है, तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से प्रेशर डाल लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग 225 प्रेशर इसमें डाल दिए हैं। अब प्रेशर डाल के अब इसको क्या करना है, हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे लीकेज चेक कर लेंगे। लाओ डालो डालो, अगर थोड़ा भी यहाँ पे लीकेज रहेगा दोस्तों तो फिर से हम लोग एक बार सही देख लेंगे। डालो पूरा डालो, अच्छे से गांज बनाओ वहाँ पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओरिंग डालने के बाद भी लीकेज हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग फिर से एक बार नाइट्रोजन डाल के चेक करते हैं हमेशा कि इसका, नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी गैस डालो और वहीं से निकल जाता है तुरंत दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्रेजेंट टाइम में कोई लीकेज नहीं है यहाँ पर, तो इसको मतलब हम ओके ही समझेंगे और गैस इसमें रिफिलिंग करेंगे। इसलिए हमने इसका पूरा ये जो बम्पर है ये सब फिटिंग कर दिया, सारा चीज़ फिटिंग कर दिया है। अब इसका दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पाइप सेम वही लगाई है, पर दोस्तों अब ये देखिए प्रेशर वाले में से हटा के हमने इसमें गैस वाले में डाल दिया है, ब्लू वाले में, देख सकते हैं आप, और ये पाइप आ गया और ये येलो वाला पाइप बीच में ही रहेगा जो कि अब ये गैस वाले बोतल पे आ गया है। तो दोस्तों ये गैस पूरा फुल पड़ा है, 450 ग्राम आता है, देख सकते हैं 134 नंबर दोस्तों, सबसे बेस्ट गैस वैसे हम ये मानते हैं इसको, और कूलिंग के मामले में बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों। अब इसको हम लोग रिफिलिंग करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। गाड़ी स्टार्ट करिए, उसके पहले ये देख सकते हैं आप, जैसे इसको आपको एक पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि इसको कैसे गैस को डालना है, इसको जैसे करेंगे इसके अंदर होल हो जाएगा और ये खोलेंगे धीरे धीरे गैस इसमें जाने लग जाएगा। आप दिखा दीजिए, देखिए इसके अंदर से गैस जाता है और जैसे एसी ऑन होगा दोस्तों कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, इसके साथ साथ फैन ऑन हो जाएगा। कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों, गैस पड़ रहा है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर लाइए थोड़ा सा, इसके अंदर से दोस्तों आपको आइडिया नहीं लग रहा पर हम लोग को दिखता है लिक्विड टाइप जाता है जो गैस इसकी गाड़ी के अंदर। अभी देखिए धीरे धीरे ये कम हो रहा है,
जैसे गैस इसमें बोतल में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ये धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाएगा। अब ऑलमोस्ट गैस ख़त्म हो चुका है, अब है नहीं। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको फिटिंग कर देंगे। और ये देखिए कितने पे आ गया, 35 पे आ गया है, ये देखिए 30 पे आ गया। जैसे कूलिंग बेहतरीन करता है वैसे ये कर देता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पाइप एकदम चिल्ड हो जाता है, ये देख सकते हैं बर्फ़ की तरह ये चिल्ड होने लगता है ये पाइप, सेक्शन पाइप। और दोस्तों गाड़ी के अंदर हम लोग चलते हैं, आप देखते हैं गाड़ी में कूलिंग कैसा है। वैसे ये हमको लग रहा है कंप्रेसर बहुत बेहतरीन काम करेगा। फैन हमारा ओके हो गया, मतलब फैन भी चल रहा है। जैसे एसी ऑन करते हैं हम लोग, फैन ऑन हो जाता है। कूलिंग की क्वालिटी भी मतलब बहुत बेहतरीन है। पीछे बैठ के देख लेते हैं, पीछे तक मतलब कूलिंग बहुत बेहतरीन मतलब तरीके से आ रहा है। दोस्तों हमने एसी ऑन कर दिया, कभी भी दोस्तों इसको ये देख सकते हैं, अब ये दोनों बटन को ऑन करिए ताकि अंदर की कूलिंग अंदर ही रहे। गर्मी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते। तो अगले जय माता दी, जय हिंद।